कैसे हैं आप लोग? आई होप ऑल इज वेल। तो देख लीजिए, ये एक रिक्रूटमेंट चल रहा है, ठीक है? इसका नाम है इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक रिक्रूटमेंट, ठीक है? अब इसमें क्वालिफिकेशन क्या है और कैसे आपको अप्लाई करना है, और मैं आपको बता दूं कि 47 सर्किल इनके हैं, मतलब 47 शहर हैं जहां पर इन्होंने वैकेंसी निकाली है। और अगर आप ग्रेजुएट हैं तो वीडियो पूरा देखिए, अगर आप चाहते हैं कि एज ए फ्रेशर आपको गवर्नमेंट जॉब मिले, ठीक है? ये गवर्नमेंट ऑथोराइज जॉब है और परमानेंट जॉब है, ठीक है? तो इसमें ऑनलाइन आवेदन कैसे किया जाएगा और डिटेल गाइडलाइन क्या प्रोसीजर है एप्लीकेशन का और क्या एडवर्टीजमेंट इन्होंने निकाला है पूरा देख लीजिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ डिटेल गाइडलाइन इनकी क्या है। ये देखिए, 15 तारीख को इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया था, ठीक है? और लास्ट डेट जो है 5 अप्रैल है। 5 अप्रैल को रात 12 बजे से पहले आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसी एग्जीक्यूटिव की निकाली है इन्होंने 47, ठीक है? एज लिमिट 21 से 35 रखी है। जनरल के लिए 21 वैकेंसी हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 4 हैं, ओबीसी के लिए 12 हैं, एससी के लिए 7 हैं और एसटी के लिए 3 वैकेंसी हैं। अब सर्किल वाइज ब्रेकअप देख लीजिए, इसमें सर्किल वाइज ये कितनी वैकेंसी किस सर्किल में ले रहे हैं। तो बिहार में 5 वैकेंसी निकाली इन्होंने, दिल्ली में 1 वैकेंसी निकाली है, गुजरात में 8 वैकेंसी निकाली है। किस शहर में वैकेंसी है ये भी मैं आपको भी बता रहा हूँ। इसमें पहले आप स्टेट देख लीजिए, झारखंड में 1 वैकेंसी है, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में इन्होंने 11 वैकेंसी निकाली है, टोटल 47 वैकेंसी हैं। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर देख लें तो इन्होंने कहा है ग्रेजुएट अगर आप हैं किसी भी डिसिप्लिन में तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन अगर आपके पास MBA की डिग्री है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। अब इसमें जो इनका सिलेक्शन प्रोसेस है वो देख लीजिए, सिलेक्शन प्रोसेस बहुत इनका साधारण और बहुत सरल इन्होंने रखा है। देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस में ये कह रहे हैं, सिलेक्शन विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क ऑब्टेन इन द ग्रेजुएशन। आपके ग्रेजुएशन में अगर अच्छे मार्क्स हैं तो आपका इसमें सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है? आपका सिलेक्शन होगा, उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू रखा जाएगा, ठीक है? उसके बाद जब आप सिलेक्ट होते हैं तो आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। अब इसमें देख लीजिए, इन्होंने कहा है कि MBA मार्केटिंग और सेल्स वाले जो हैं, अगर आपने MBA मार्केटिंग किया है या MBA की सेल्स की डिग्री है तो आप इसमें आवेदन जरूर करिएगा, क्योंकि आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। लेकिन आप सिंपल ग्रेजुएट हैं तो भी इसमें आवेदन करना भूलें मत, ठीक है? मौके की बात है, हो सकता है आपको मौका मिल जाए। अगर आपका अच्छा परसेंटेज है ग्रेजुएशन में तो आप इसमें आवेदन जरूर करिए। अनाउंसमेंट्स और पे की बात करें तो देख लीजिए, 30,000 इन हैंड सैलरी देंगे, ठीक है? इन हैंड सैलरी है 30,000 पर मंथ। अब अगर आप ST, SC या PWD कैंडिडेट हैं तो आपको केवल ₹150 देनी है एप्लीकेशन फीस, और अगर आप जनरल हैं तो आपको ₹750 आपकी फीस पड़ेगी। डिस्कशन में लिंक डाल लिया है, पूरा पढ़ लीजिएगा। और अगर आपको कोई संशय है कि ये परमानेंट जॉब है कि टेम्परेरी है, तो मैं आपको बता दूँ ये परमानेंट जॉब है। और IBPV जो है, मतलब इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो है, ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग है, ठीक है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग है, तो इसमें रिक्रूटमेंट निकला है। चैनल में पहली बार आए हैं और आपको लगता है कि इस तरह के जॉब और करियर से रिगार्डिंग अपडेट आपको रेगुलर बेस पर मिलते रहें, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।